तो फ्रेंड किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए जब आप लिंक पर क्लिक करते हो और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपके सामने क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाता है। क्रोम ब्राउजर ओपन होने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लोड लेते हैं और यहाँ पर देखिए जैसे ही ये पेज लोड होता है आपको आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं और आई एम नॉट रोबोट पर आपको क्लिक कर देते हैं। आपको भी सेम स्टेप को फॉलो करना है तभी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे आई एम नॉट रोबोट। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए 20 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से वेट कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए टाइमर चलता है। तो आप यहाँ पर ऊपर की साइड में देख भी सकते हैं कि टाइमर चल रहा है। देखिए ये टाइमर खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, इस तरीके का इंटरफेस आ गया, स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ओपन, ठीक है। तो आपको एकदम नीचे आ जाना है, एकदम नीचे, इस पेज के एकदम नीचे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको ओपन कंटिन्यू का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे क्लिक करेंगे आप एक पेज पर फिर से रिडायरेक्ट हो जाएंगे। गाइस ये एकदम सिंपल स्टेप है, दो स्टेप में बस केवल आप डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको इस पेज पर आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर लिखा है योर लिंक इज ऑलमोस्ट रेडी, ठीक है। यहाँ पर 7 सेकेंड का टाइमर चलेगा तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर टाइमर स्टार्ट हो गया है और ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आपको देखिए ये जैसे ही जीरो होता है आपको एकदम नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है गेट लिंक का, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। यानी कि गेट लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने प्ले स्टोर का ऑप्शन आ जाएगा या फिर आपके डायरेक्ट प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा ऑफिशियल ऐप पर, ठीक है। तो इस तरीके से या फिर आपका जो भी एप्लीकेशन होगा उस ऐप पर आप रीडायरेक्ट हो जाओगे और उस एप्लीकेशन को वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ईजिली।